नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और आने वाले सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे, G20 का जो शिखर सम्मेलन हमारे भारत में हुआ है जस्ट ही कुछ दिनों पहले इसकी जो समाप्ति हुई है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम लोग जो है इसको सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे कि जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है, इसका एजेंडा क्या था, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, और उसके बाद हम लोग टोटल जो यहाँ पे 20 जो है प्रश्न उत्तर भी इससे संबंधित क्लियर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है G20 शिखर सम्मेलन। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुखों को वैश्विक आर्थिक सहयोग और नीति समन्वय पर मिलने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यूरोपीय संघ और 19 अन्य राष्ट्र मिलकर G20 बनाते हैं। ठीक है, इसमें कितने देश हैं, तो 19 देश हैं और यहाँ पर एक यूरोपीय संघ है। टोटल कितने हो गए, 20 राष्ट्र मिल करके एक संघ बनाते हैं। इसे कभी कभी 20 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। विश्व की जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद के एक बड़े हिस्से के साथ ये सदस्य राष्ट्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन क्या है समझ गए, ये टोटल जो है 20 राष्ट्रों का 20 देशों का एक सम्मेलन होता है जिसमें जो है मुख्य उद्देश्य जो होते हैं, मुख्य मुद्दे जो होते हैं देशों के, उसको डेवलप करने को लेकर के उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये हो गया क्या है G20 शिखर सम्मेलन। तो इसका सम्मेलन का एजेंडा क्या था या फिर क्या होता है। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल लीडर व्यापार, निवेश, नवाचार, सतत विकास और अन्य सहित महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं, आर्थिक नीति पर यह सहमति बनता है और वैश्विक मुद्दों को हल करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना अक्सर शिखर सम्मेलन में बातचीत के मुख्य विषय होते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा समय के साथ बढ़ता और बदलता गया है और इसमें आर्थिक मुद्दों के अलावा स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटलीकरण और अन्य भू राजनीतिक कठिनाइयों सहित विभिन्न वैश्विक विषयों पर चर्चा भी शामिल की गई है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था या फिर क्या होता है। तो G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है समृद्धि, सतत विकास और आर्थिक स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया का प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संचार और सहयोग बढ़ाना है। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम और औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार करना है। प्राथमिक क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार और बहाली, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के उपायों को सुदृढ़ करना है, यही है G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य। अच्छा देखिए, G20 शिखर सम्मेलन से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, तो लगभग यहाँ पे जो 20 महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, बनने के लिए तो और बहुत है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये 20 सवाल को इसमें आप यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे सवाल का आंसर करके जाइएगा। पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो G20 शिखर सम्मेलन पहली बार जो आयोजित किया गया 2008 ईस्वी में आयोजित किया गया। अभी हमारा देश में, भारत में कुछ ही दिनों पहले G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ यहाँ पे समाप्ति हुई। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो जो फर्स्ट टाइम G20 शिखर सम्मेलन हुआ उसका मेजबानी, यानी कि कहाँ पर ये मीटिंग हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो स्विट्जरलैंड इसमें से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ब्राज़ील है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन स्विट्जरलैंड क्या है, नहीं है। तो G20 का सदस्य कौन नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है। अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, वैश्विक आर्थिक और विकास को बढ़ावा देना, तो अभी हम लोगों ने इसको देखा, बिल्कुल सही है। वित्तीय विनियमन बढ़ाना बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में सुधार, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा।
धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना। G20 शिखर सम्मेलन में मान के चलिए 20 बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश यहाँ पर आएंगे, तो क्या धार्मिक को बढ़ावा देने के लिए विचार करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप ऑप्शन से इसको भी छाट सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है? तो G20 शिखर सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष जो है एक वर्ष ये जो है आयोजित होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में मात्र एक बार, तो वार्षिक रूप से प्रत्येक एक बार में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2022 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो यहाँ पर इटली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2022 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें इटली ने जो है अपना अपना देश में अपना जो है इसको जो है करवाया था G20 शिखर सम्मेलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था G20 का, तो इटली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अभी ये प्रश्न का आंसर आपने जान लिया है, हालांकि G20 के कितने सदस्य देश हैं? तो G20 के टोटल 20 सदस्य देश हैं, जिसमें से 19 देश हैं और एक संघ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 आपका टोटल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो अभी आपने देखा होगा, एकदम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो है G20 शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय है? तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ इसका प्रमुख रूप से जो विषय था वो था जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन की जो आधिकारिक भाषा है इसमें तीन जो है मुख्य भाषा है, कौन कौन सा है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सभी जो है अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न आपको पूछ रहा है कि कौन सा G20 सदस्य देश के सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था G20 सदस्य देश है उसमें सकल घरेलू के मामले में चीन 1 नंबर पर आ जाता है, समझ गए, G20 की बात हो रहा है तो उसमें चीन आ जाता है 1 नंबर पर। अगला प्रश्न है, G20 में कितने महाद्वीप शामिल हैं? तो G20 में यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के देश जो है इसमें शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 महाद्वीप इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, 2021 G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 2021 का शिखर सम्मेलन जो किया गया था वो रियाद में किया गया था, ठीक है। किस में किया गया था? रियाद में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन G20 से संबंध नहीं रखता? तो संयुक्त राष्ट्र जो UN है, ठीक है, ये जो है G20 से संबंध नहीं रखता, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये संबंध नहीं रखता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, सारे क्या करते हैं, G20 से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा G20 सदस्य देश दक्षिण अमेरिका से एकमात्र हैं? तो अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ से सिर्फ जो है G20 के सदस्य के रूप में अर्जेंटीना शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, संरक्षणवाद पर G20 का क्या रुख है? तो संरक्षणवाद पर जो है यह संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करता है। G20 शिखर सम्मेलन जो होता है यह संरक्षणवाद का क्या करता है, विरोध करता है, समझ गए, क्या करता है, विरोध करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो कौन सा ऐसा देश था जो 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सऊदी अरबिया ने। किसने? सऊदी अरब ने, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय G20 का फोकस क्षेत्र नहीं है? तो G20 का फोकस क्षेत्र जो है शिक्षा नहीं है, ठीक है, बाकी ऊर्जा है, डिजिटलीकरण है, आतंकवाद है, सभी के ऊपर जो है फोकस किया, लेकिन शिक्षा के ऊपर इसमें फोकस नहीं किया। शिक्षा सब देश का अपना दायित्व है, जितना स्टडी, जितना एजुकेशन होगा, लोग उतना मजबूत होंगे और देश भी उतना मजबूत होगा। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा?
तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वो रहा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हम लोग इसका सीधा आंसर देख लेते हैं। जो कथन सत्य है, तो सदस्य देशों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, यही G20 शिखर सम्मेलन का सत्य है। तो इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GK बिथर के। जय हिंद, जय भारत।